स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 इंडिया टर्न्स बट डज नॉट स्टार्ट। तो इसका मेन कोर्स क्या है, मैं आपके लिए वो कवर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और साथ ही साथ उसके साथ बेल आइकन को दबाना ताकि मैं अगली बार जब भी नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके लिए ज़रूर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके मेन कोर्स क्या हो सकते हैं कि जब भी हम अपनी बाइक में सेल्फ देते हैं तो हमारी बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके मेन दो ही कॉज हैं, कि हमारा ऑपरेटिंग एरर हो रहा हो, लाइक हम अपनी जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और इसका अगला कॉज है वो ये है कि हमारे इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो स्टार्टिंग वाला प्रॉब्लम था मैं उसको कवर करता हूँ पहले, जो कि आपका ऑपरेटिंग एरर था। लाइक आइए दिखाता हूँ मैं इसको, कि आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो तो इसका सेल्फ है ज़्यादा लॉन्ग तक नहीं करते हो, लाइक ऐसे, तो आपको ऑपरेटिंग एरर में अपना जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है उसको अच्छे से ऑपरेट करना है। आपकी बाइक में अगर पहला गियर पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे दबाना पड़ेगा क्लच को, उसके बाद में आप यहाँ पे अपना सेल्फ दबाइए और आपको ध्यान देना है कि साइड स्टैंड अप होना चाहिए। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, कि अगर आपको अपना ऑपरेटिंग एरर को अवॉइड करना है तो आपके स्टार्टिंग मैकेनिज्म को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। लाइक इसको स्टार्टिंग मैकेनिज्म को थोड़ी देर के लिए प्रेस करिए, आपकी बाइक स्टार्ट हो गई। तो आप जो अब बात करते हैं अगले कॉज की, कि हम अपनी बाइक स्टार्ट किए जा रहे हैं और वो हमारे फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइकवाइज ऐसे करके किच किच करके बंद हो जाती है, ऐसे आवाज़ आती है इंजन की, तो इसका मतलब है कि जो इंजन है आपका वो RPM नहीं पकड़ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, जो है हमारा ऑपरेटिंग एरर के बाद में इग्निशन सिस्टम के बारे में, कि अगर हमारा इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करें। तो आपके लिए मैं एक सबसे पहले पार्ट 1 लेके आया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने उसके बारे में आपको यही चीज़ बताई थी कि अगर आपके इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नंबर 1, 3, 5, 7 को चेक करना पड़ेगा फ्यूज़ को। उसके बाद में अगर आपने आइडिया लगा लिया है कि मेरे सारे फ्यूजेस ठीक हैं, तो फिर आपके जो मेन इग्नाइटर होता है उसमें कार्बन डिपॉजिट हो सकता है, तो स्टार्टिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मेन कॉज यही रहेगा, क्योंकि जो इग्नाइटर होता है वो हमारा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल देता है इग्निशन चैम्बर में, तो वो आपके इंजन को नहीं मिल पा रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक जब आप सेल्फ दबाते हो तो आपकी बाइक थोड़ा सा आवाज़ करती है बट वो टर्न नहीं होती है। तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग एरर और इग्निशन सिस्टम को मैंने कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे चल के जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।